हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्स एम्पायर। में स्टॉक एक्सचेंज आ गया है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा कार्ड आपको इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले आपको एक्स एम्पायर को ओपन करने के बाद आपको सिटी में चले जाना है। सिटी में जाने के बाद आपको जाना है इन्वेस्टमेंट्स में। इन्वेस्टमेंट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है कार्ड इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट कार्ड आपका रहेगा मीडियम रिस्क में, और मीडियम रिस्क में जो कार्ड रहेगा वो आपका रहेगा हैमस्टर ब्रीडिंग। तो आपको इस पर क्लिक करना है, इसको फुल करना है, आई विल बी लकी पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका ये कार्ड हो जाएगा आई एम कोल इन्वेस्टर पर क्लिक करके वापस से बैक आ जाना है। जो सेकंड कार्ड आपका रहेगा वो आपको बता देगा कहाँ रहेगा, वो आपका रहेगा हाई रिस्क में। अब हाई रिस्क में कौन सा रहेगा, हाई रिस्क में आपका कार्ड रहेगा यूनिकॉर्न ब्रीडिंग। तो आपको इसको क्लिक करना है, इसको फुल करना है, आई विल बी लकी पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपका यूनिकॉर्न ब्रीडिंग भी इन्वेस्ट हो जाएगा। फिर आई एम कोल इन्वेस्टर पर क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद जो आपका कार्ड रहेगा लास्ट बचा है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अच्छे अच्छे कॉइन्स माइंस करना है, ट्रस्टेबल कॉइन्स माइंस करना है, तो हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो चलिए लास्ट कार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। लास्ट कार्ड आपका रहेगा यहाँ पर लो रिस्क में। अब लो रिस्क में कौन सा कार्ड है, लो रिस्क में आपको यहाँ पर ये कार्ड रहेगा, ठीक है। इसको क्लिक करना है, इसको फुल करना है, आई विल बी लकी पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद ये वाला कार्ड भी आपका जो है ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आई एम कोल इन्वेस्टर पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो आपको देखिए तीनों ही कार्ड आपका इन्वेस्ट हो चुका है इस तरह से। अगर आपको जो है जल्दी से किसी भी चीज़ की वीडियो चाहिए, रिबस ऑफ द डे, रिडिल ऑफ द डे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।